अस्सलाम वालेकुम मित्रों, प्यारो सज्जनों, सेलियो, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आप सबका GTA 5 की अनदर गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लास्ट गेम प्ले वीडियो के अंदर मी एज अ फ्रैंकलिन टनोया के साथ गया था, एंड अगेन जो वेजल न्यूज़ वालों के पास गाड़ी मौजूद थी ना इलीगली पार्क, उस गाड़ी को मैं फिर से टो करके ले आया था अपने उस लोकेशन पर जहाँ से हम ट्रक को उठाते हैं। तो उस गाड़ी को उठाने के बाद मसला ये हुआ कि वो भी जो है बहुत ही बड़े आदमी की गाड़ी थी, एंड आपको पता है कि अभी फ्रैंकलिन बहुत ही ज़्यादा गरीब है एंड उसके जो पंगे हैं ना वो बहुत बहुत अमीर लोगों से पड़ रहे हैं, तो जिसका नुकसान मुझे होता है क्योंकि टनोया जो खुद है वो तो घर में बैठ जाती है एंड मैंने पूरा का पूरा लॉस सैंटोस सिटी घूमना होता है। तो मुझे बार बार कॉलें आती रहती हैं लेस्टर की कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम अपने ही बंदों से जो है वो पंगे ले जा रहे हो। तो मुझे अब टनोया की भी बात सुननी होती है क्योंकि टनोया मेरी जो है वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनी हुई है अब तो। तो अब भाई साहब, आपका भाई मी एज अ माइकल अब इस लोकेशन पर पहुंचने वाला है, एंड यहां से मैं पहुँच कर देख लेता हूँ कि मुझे क्या करना होगा। आई थिंक सो मेरी जो है ना वो लड़ाई हो चुकी थी अपनी वाइफ से, एंड टाइम आ चुका है अपनी वाइफ को घर ले जाने का। तो कोशिश करता हूँ उसको मनाने की, एंड अगेन उसको ले जाऊँगा फिर मैं घर की तरफ। ओके, तो ये क्या कर रही है इधर? तो ये जो वाइफ है ना माइकल भैया की, ये कोच भाई के साथ कड़म चूचाठा कर रही थी। तो अब आ चुका है टाइम इसको मनाने का। उसने कहा है कि मेरे साथ तुम रेस लगाओ, रेस लगाने के अगर बात तुम मेरे से रेस जीत गए ना तो मैं तुम्हारे साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो चलिए, टाइम आ चुका है इसके साथ रेस खेलने का। मुझे अपने हाथ पांव जल्दी से चला लेने दो। तो ऑल राइट गाइज, फाइनली आपका भाई जो है इसके पीछे पीछे भाग रहा है, एंड इसको जो है जल्दी से आपका भाई पीछे की तरफ छोड़ देगा। तो यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा शॉर्टकट भी ले लेता हूँ। ऑल राइट, चीटिंग वो कह रही है कि तुम कर रहे हो तो तुम भी चीटिंग कर लो। तुम्हें क्या चीटिंग नहीं करने आती? तुमने पहले क्या किया था मुझे ये बताना ना ज़रा, पहले तुमने क्या किया था मेरे साथ? चीटिंग नहीं की थी तुमने? तो भाई साहब, लोग हैं ना जो अपनी चीटिंग को नहीं देखते, बस आपकी ही चीटिंग को देखते हैं कि आपने हमारे साथ चीटिंग कर दी है। खुद का नहीं पता होता कि खुद उन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया है। निकल तू, दफा हो। तो आपका भाई यहाँ से अपनी फुल स्पीड से होता होता जा रहा है, एंड मुझे ये वाली रेस जो है हर हाल में जीतनी होगी। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ से मुड़ जा फटाफट से आपका भाई जो है सीढ़ियों से जा रहा है नीचे, एंड सीढ़ियों से बहुत ही आराम से जा हो रहा है। तो ऑल राइट, जो है ये लड़की ये बिल्कुल मेरे पीछे आ चुकी है। हुए। तो चलो, मेरा स्टैमिना जो है इस वक्त लो हो चुका है, लेकिन मुझे मरना नहीं है। कहीं मैं मर ना जाऊँ यहाँ से, मुझे यही है कि मेरी जो है वो ज़िंदगी रह जाए। तो ऑल राइट, मेरी जो है वो हेल्थ कम होती जा रही है, एंड वो बिल्कुल मेरे पीछे ही है। अबे, मुझे हर हाल में जीतना होगा। मर, पीछे हो जा बेगैरत इंसान। एंड फाइनली हम जो है रेस को कंप्लीट करने वाले हैं। 1 मिनट एंड तकरीबन 40 सेकंड्स या 30 सेकंड के अंदर हमारी जो रेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑल राइट, 135, 136, 137 एंड फाइनली 137 के अंदर आपके भाई ने ये रेस जो है इससे जीत ली है। ऑल राइट, शॉर्टकट मैंने कोई, भाई साहब वो अभी ये कह रही है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने शॉर्टकट मारे हैं। ऑल राइट, तो जान निकल जा अभी यहाँ से, दफा हो जा, कहीं मेरे हाथों मर ना जाए। तो ये जो है मैरियन है। ऑल राइट गाइज, मैं जो है वो मैरियन से रेस जीत चुका हूँ, एंड मैरियन का न्यू करेक्टर मेरे लिए ओपन हो चुका। तो चलिए गाइज, हम आज इस गेम प्ले सीरीज को यहीं पर करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ओ का पुर।